कैसे आपको पता चला यहाँ के बारे में? बस यूट्यूब पर वीडियो देख कर के आए हैं। यूट्यूब पर वीडियो देख के आए हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज मुकेश कुमार, चर्चा फॉर यू में आपका स्वागत है। आज बहुत ही विशेष आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा बिजनेस बिहार का, जो कि इस बिजनेस में लोग खुद ही नहीं कमा रहे हैं, इस बिजनेस को पूरी तरह से फैला रहे हैं और जो भी लोग इससे जुड़ रहे हैं ना, वो लोग भी कमा रहे हैं। तो ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट है क्या? बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आज, और ये पटना में है, खेमनी चक में, पटना खेमनी चक, जो कि बिहार में आपका आइएगा जब कभी भी। पटना कैपिटल है हमारे बिहार का, तो इस जगह पे आप आएंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है जो कि यूरी फैशन के नाम से है, और यूरी फैशन यहाँ पे स्टॉल लगाता है और ये कुछ चीज़ें जो है कि आपको बहुत ही सस्ते दरों में देता है। अगर आप इन चीज़ों को लेकर अपने मार्केट में आप लगाते हैं तो आप इससे खुद भी कमाइएगा और दूसरे को भी कमाने का आप मौका देते हैं। भैया ने कुछ सेटअप किया है, आइए हम आपको मिलाने जा रहे हैं। अभी 10,000 रुपया लगा करके वो दिन का 1,000-1,200 रुपया कमा सकते हैं। कैसे वो कमाएंगे? क्योंकि देखिए, लोगों को लगता है क्या कि 10,000 रुपया लगा के हम 1,000 रुपया कैसे कमाएंगे? तो सबसे बड़ा चीज़ ये होता है, लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग आपके व्यूअर हैं उनको पता होना चाहिए कि जो आप 10,000 रुपया लगाइएगा तो 10,000 रुपया लगाने के बाद आपको इस टाइप से या तो खुद से दुकान लगाना होगा, ये आपका एक चलता फिरता दुकान है, आपको खुद से लगाना होगा, या फिर अगर मान लीजिए आप नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई सा भी लड़का आप मार्केट में लड़का रख कर लगवा सकते हैं। और इसको आपको लगाने में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 10 मिनट का टाइम लगता है, वो आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा कि कैसे लगाना है। और 10,000 रुपया लगा करके दिन का 1,000-1,200 रुपया आराम से कर सकते हैं, और कहीं जाने का जरूरत नहीं है कि आपको बाहर जाना है। आप अपने गांव में, शहर में, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे ये बिजनेस को स्टार्ट करके दिन का 1,000-1,200 रुपये कमा सकते हैं। 1,000-1,200 रुपये कमाने का जब ये दावा कर रहे हैं 10,000 रुपये मात्र लगा कर, तो क्यों ना इसको और भी थोड़ा विशेष किया जाए। ये अभी सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे, देखिए ये एक नया कस्टमर का ही सेटअप है जी। हाँ, ये सेटअप, वो सेटअप, ये सेटअप लगाने का बस यही एक मकसद था कि लोगों को बताएं कि हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेरा पैसा नहीं है, हम ये सेटअप बेचने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है, हम अपना कपड़ा बेचने के लिए बैठे हैं और हम कपड़ा बेचते हैं। ये सेटअप उनको इसलिए देते हैं कि आज के टाइम पे कहीं पे भी आप अपना दुकान अगर लगाते, मतलब दुकान एक रेंट पे लेते हैं तो नॉर्मल सा भी रेंट अगर आप मान के चलिए कि 3,000-5,000 रुपये रेंट होता है, प्लस एक एडवांस अलग से होता है। इसमें क्या है कि कोई रेंट का टेंशन नहीं है, कोई एडवांस का टेंशन नहीं है, ये आपका एक चलता फिरता दुकान है। मात्र 10 मिनट में आप किसी भी बाजार में, अगर आप दुकान में यकीन नहीं है कि आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको कहीं भी किसी भी बाजार में लगाना है, इसको आराम से लगा सकते हैं। कैनोपी का अभी तक कितना सेटअप आप निकाल चुके हैं? अभी तक मान के चलिए कि हम 70-75 सेटअप ही बेचे हैं, ठीक है, 70-75 सेटअप बेचे हैं जिसमें 40-45 कस्टमर रिपीट हैं आज। हाँ एकदम, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बिहार पटना से मतलब वीडियो बना रहे हैं या पटना में मेरा फैक्ट्री है तो सिर्फ हम पटना में बेच रहे हैं, पूरा जैसे मान लीजिए यूपी से भी बहुत लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से भी बहुत लोग आ रहे हैं, तो हम लोग उनको क्या है कि ट्रांसपोर्ट के जरिए, बिहारियल ट्रांसपोर्ट है, उसके जरिए उनके पास माल भेज देते हैं। और ये जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे का फोटो लगा हुआ है, ये आपका कैनोपी में लिखा हुआ रहेगा, टी शर्ट पे फोटो लगवाएं मात्र 199 रुपये में, आज ही बनवाए। तो ये सब क्या है, टी शर्ट पे फोटो लगाने का क्या है, तो इस टाइप का टी शर्ट आता है, टी शर्ट हम उनको 65 रुपये का ही देते हैं, प्रिंटिंग का 10 रुपये चार्ज है, 75 रुपये हो गया, लेकिन वो प्रिंट करके प्रिंट करके उनको हर साइज में रेडी करके देंगे और वो कस्टमर से लेंगे 200 रुपये। कपड़े की क्वालिटी की बात करें, कपड़ा क्वालिटी, देखिए कपड़ा हर तरह का होता है, ठीक है, 4-way हो गया, 2-way हो गया, DNS हो गया, ड्राई फिट हो गया, हर तरह का कपड़ा होता है। जैसे टी शर्ट में आपका ज़्यादातर चलता है माइक्रो पीपी चलता है, एयर जेट चलता है, डॉटनेट, राइसनेट, निर्मल जाली, तो यही सब कपड़ा का टी शर्ट होता है, और हर कपड़े का टी शर्ट का एक ही रेट होता है, 65 रुपये। ये जो भी आप दे रहे हैं इसमें साइज भी आप देते हैं? जी, ऐसा नहीं है कि 65 रुपये में दे रहे हैं तो सिर्फ बच्चे का पीस देंगे, 65 रुपये में ही दे रहे हैं, लेकिन बड़ा का पीस रहेगा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, चार साइज होता है और चारों साइज का एक ही रेट है। और ऐसा नहीं है कि हम 65 रुपये में दे रहे हैं तो सिर्फ पॉलिस्टर दे रहे होंगे या कॉटन दे रहे होंगे, आपके एरिया में, आपके मार्केट में जो कपड़ा चलता है वो कपड़ा आप मेरे से ले सकते हैं, 65 रुपये ही रेट है। देखिए इस टाइप का दुकान लगाना है, इस टाइप से उनको एक स्पीकर मिलेगा, बस उनको करना कुछ नहीं है, इस टाइप का स्पीकर उनको मिल जाएगा, इस टाइप से उनको स्पीकर ऑन करना है, ठीक है। देखिए कलकत्ता से भी सस्ता, अब आपके शहर में 100 रुपए में टी शर्ट, नया नया ब्रांडेड टी,
इस टाइप से उनको रिकॉर्डिंग चलता रहेगा, उनको कुछ नहीं करना है बस इस टाइप। शाम के टाइम पे क्या होता है, हम लोग एसी डीसी लाइट देते हैं तो लाइट भी हम लोग देते हैं और इस टाइप से हैंगर देते हैं कपड़े को टांगने के लिए, बस ऐसे ऐसे दुकान लगा के अपने मार्केट में चौक चौराहे पे कहीं पे भी अपने बाजार में इस टाइप से दुकान लगाना है। और हम बोल रहे हैं 1000-1200, लेकिन कस्टमर खुद बोलते हैं कि 1000-1200 तो छोड़ दीजिए, किसी किसी महीने में ऐसा होता है कि 50-60 हजार रुपए कमा लेते हैं, मतलब 2000 रुपए, 2000 भी है। लेकिन अब बहुत लोगों को लगा कि 10000 रुपए है, 10000 रुपए में क्या होना है, 10000 रुपए ऐसे ही लोग बना देते हैं वीडियो। बहुत सारा आपको फेसबुक पे भी, फेसबुक यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा वीडियो मिल जाएगा कि दिन का 5000 कमाए, 2000 कमाए, 1000 कमाए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि हम कमाए, मतलब बोल रहे हैं आपको, हम इस टाइप से आपको समझा रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, मात्र 10000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, उसमें आपको हम एक चलता फिरता दुकान दे रहे हैं और के साथ साथ आपको हम 100 पीस माल दे रहे हैं जिसमें 50 पीस टी शर्ट और 50 पीस हाफ पेंट होता है, जिसको आप बेच दीजिएगा तो आपका जो 10000 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो 10000 रुपए आपका रिटर्न हो जाएगा। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपके एरिया में बहुत सारा स्कूल होगा, कोचिंग होगा, इस टाइप का जो भी होगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारा छोटा मोटा फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री वाले लोग क्या है कि टी शर्ट अपना प्रिंट करवाते हैं, जैसे देखिए इस टाइप का टी शर्ट हो गया, इस टाइप का टी शर्ट हो गया, देखिए इस टाइप का टी शर्ट हो गया, इस टाइप का कस्टमाइजेशन टी शर्ट हो गया, जैसे ये जोमेटो का है तो इस टाइप का कस्टमाइजेशन टी शर्ट हो गया। तो इस टाइप का टी शर्ट का अगर आपके पास ऑर्डर आता है, ये सब देखिए ये सब टी शर्ट है, ये कस्टमाइजेशन टी शर्ट है, तो इस टाइप का अगर टी शर्ट का आपके पास ऑर्डर आता है, देखिए इस टाइप का टी शर्ट यानी कि कभी इसी रेस्टोरेंट वगैरह में, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, जैसे कोई ब्रांड है, जैसे मान लीजिए ये जो देख रहे हैं ये सरफ का फैक्ट्री था सर, राजगीर का, राजगीर के पार्टी के थ्रू ही ऑर्डर आया है, ठीक है। तो इस टाइप से देखे ये सरफ का फैक्ट्री है, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत लोग हैं जो अगरबत्ती बनाते हैं, सरफ बनाते हैं या फिर और भी FMCG का आइटम बनाते हैं, तो उनका अपना प्रमोशन के लिए वो लोग टी शर्ट बनवाते हैं। 10000 रुपये सिर्फ हम लोग स्टार्ट करवाते हैं कि ताकि कोई लोग, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो 10000 रुपये इन्वेस्ट करके, 10000 रुपये एक बहुत ही कम अमाउंट है जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है। और भाई साहब ने एक जो स्टार्टअप किया है, कभी ये भी बहुत संघर्ष किए होंगे, कहीं ना कहीं काम किए होंगे, सीखे होंगे, तभी जाके आज इतना अच्छा आज फैक्ट्री आज सेटअप कर पाए हैं। तो इससे लगता है कि भाई जो है कि पूरी तरह से दौड़ चुके हैं मैदान में, और ये मैदान का जो ये दौर है यहाँ पे रुकने वाला है। और उसके बाद जैसा देखिए रेट कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि मेरा अपना खुद का रियल मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत लोग बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन पता चलता है बाद में कि वो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मेरा रियल मैन्युफैक्चरिंग है और हम लोग क्या है कि बल्क में माल बनाते हैं। भैया जी आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर कहाँ पर है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, कैसे आपको पता चला यहाँ के बारे में? बस यूट्यूब पर वीडियो देख करके आए हैं। यूट्यूब पर वीडियो देख आए हैं कि साइड बिजनेस हम कर सकते हैं। आपका पहले से गारमेंट्स में है कुछ? नहीं, गारमेंट्स में कुछ भी नहीं है, हमारी अपनी ऑप्टिकल की शॉप है। ये आपके कौन? ये हमारे मित्र हैं। आपके मित्र हैं जी। आपका सर कुछ बिजनेस है या? राशन की दुकान है। राशन की दुकान है सर की। अपना चश्मे का दुकान है, तो चश्मे का दुकान टाइमली 10 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक खुलती है, और सुबह का जो समय है तो मंडी के समय में ये वर्क हो जाएगा। ये कस्टमर आए हैं और ये बिहार के ही कस्टमर हैं और लोकल हैं। कहाँ से भैया? छपरा मढ़ौरा। तो ये आपका कैनोपी अभी सेटअप हो रहा है, आप इसको चेक कीजिएगा किस तरह से लग रहा है। कैसे आप जाने यहाँ के बारे में? पहले मुंबई में रहते थे। मुंबई में आप काम किए? मुंबई, गुजरात, सब जगह रहे हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र। तो कपड़ा का बिजनेस आप पहले भी किए हैं? हाँ, कपड़ा का फेरी किए हुए। आप जब कपड़ा का फेरी किए, आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज होगा कपड़ा का। कुछ खास ज्यादा नहीं, 6-7 महीना किए थे, छोड़ दिए। समझ में आ रहा है कि जो आप कॉस्ट जो आप पे कर रहे हैं उसके हिसाब से कपड़ा है यहाँ पर? हाँ है, तभी तो लेने के लिए आए। तभी आप आए? कहाँ से? बेगूसराय। आप बेगूसराय से आए हैं? देखिए बेगूसराय से भाई साहब आए हुए हैं, अभी आए हैं सेटअप लेने के लिए। सेटअप ले लिए हैं, फिर लेने आए हैं। कितना दिन पहले लिए थे? हो गया 8 महीना, 1 महीना। ये तीसरे कस्टमर हैं यहाँ पर, एकदम वास्तविक बात है। आप भी आइएगा तो आपको भी संयोग होता है, कस्टमर लोग मिलते जा रहे हैं यहाँ पर। और घर के पास ऐसा माहौल बना हुआ, घर ही नहीं, यहाँ की फैक्ट्री है नीचे में और माल यहीं से पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग होता है। और पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं, अलग अलग स्टेट में जा रहा है अभी ये, उत्तर प्रदेश का मैं देख रहा हूँ, बिहार के सराउंडिंग जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे माल जा रहा है। कैसा लगा आपको इससे पहले माल लेकर? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? माल आपने बेचा पूरी तरह से? दोबारा रिपीट ऑर्डर लिए हैं आप? कितना का माल ले गए थे आप पहले? 20000 का। कितना बना पाए उससे?
ठीक है, हम एक पर्टिकुलर चीज़ का कॉस्ट मार्जिन तो नहीं पूछ रहे हैं, बस वही समझ। देखिए आपके बताने से क्या होता है ना कि कस्टमर को समझ में आता है कि भाई मैं भी इसमें पैर डालूँ कि नहीं। एक भाई ने अभी स्टार्टअप किया है, चंदन जी ने स्टार्टअप किया है ये यूरी इंटरप्राइजेस जो, तो इसमें वो खुद भी कमा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं कमाने के लिए। एक बहुत अच्छा, 4 साल से जुड़े हुए हैं चंदन, 4 साल से आप जुड़े हुए हैं, आप मतलब कंटिन्यूस इसमें वर्क कर रहे हैं, तो आप भी चाहिए कि हमसे भी लोग रोजगार में जुड़े, जो पैसा सभी लोग कमाए। बेगूसराय में पूरा छाए हुए हैं, पूरा छाए हुए बेगूसराय में, इन्हीं का कपड़ा लेकर बेच के। देखिए बेगूसराय में पूरा छाए हुए हैं भाई साहब, एकदम अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, अच्छा कमा। एक मोटा मोटी 10,000-20,000 का उठा के कितना परसेंटेज का मार्जिन हो जाता है? 30% प्लस, समझ गया ना आप? 30% जोड़ लीजिएगा 10,000 के हिसाब से, 20,000 के हिसाब से। तो आपने स्टार्टअप किया था जब फर्स्ट टाइम माल लिए तो कितना का लिए थे? फर्स्ट टाइम 10,000 का, उसका रिपीट ऑर्डर चल रहा है। अभी कैनोपी अपने लिए लेने के लिए आए? फिर आए हैं दूसरे आदमी के लिए। चलिए बहुत खुशी होती है ये जानकर कि लोग बढ़ रहे हैं आगे, बिजनेस हमारा बढ़ रहा है, बिहार का विकास हो रहा है। तो लोग जो है कि बोलते हैं कि रोज़गार नहीं है हमारे बिहार में, और ये देखिए रोज़गार तो है लेकिन करने वाले की ज़रूरत है। जब आप कीजिएगा रोज़गार को तब समझ में आएगा। एक कदम बढ़ाइए, एक कदम बढ़ाने के बाद दूसरा कदम ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा। पहले ही कदम तो आपको कुछ नॉलेज भी मिलेगा, उस नॉलेज को देखिए समझिए और पैसे को कमाइए। देखिए इस टाइप से हम लोगों के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। अभी जाते वो ट्राउजर बन रहा है, तो एक बार में जब भी मेरे यहाँ पे माल बनता है तो 2,000, 1,500, 1,800 पीस माल बनता है। उसके हिसाब से हम लोग क्या होता है, कारीगर को भी उसी हिसाब से सब कुछ करते हैं, तो इसलिए रेट और स्टॉक का भी कोई कमी नहीं होगा। देख लीजिए ऊपर में जिस टाइप का, इस टाइप का स्टॉक रहता है, ठीक है। और भी स्टॉक हम लोगों के पास होगा वो भी दिखा देंगे, ठीक है। स्टॉक का कोई कमी नहीं है, स्टॉक जितना पीस खोजिएगा उतना पीस मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है जो रेट बताया जा रहा है, अगर हम आपको वीडियो में गलत बोल के बुलाएंगे, अगर हम 65 रुपये में आपको बुला रहे हैं और रेट चेंज करेंगे तो आप आने के बाद ऐसा तो नहीं है कि ले लीजिएगा, तो आपको हम काहे के लिए बुलाएंगे। जो रेट बताया जा रहा है 65 रुपये, राउंड नेक का टी शर्ट होगा 65 रुपये, हाफ पैंट होगा 65 रुपये, बंडी होगा 65 रुपये। और ऐसा नहीं है, अगर हम चाहते तो आपको हम 2-4 सैंपल और भी दिखाते, लेकिन सारा का सारा हम सैंपल आपके स्टोर में लगा दिए हैं। जिस हिसाब का सैंपल है सारा सैंपल, ये नहीं आई इसी टाइप से आपको भी दुकान अपना लगाना है, और दुकान लगाने के बाद 1,000-1,200 रुपये आप आराम से दिन का कमा सकते हैं। ये जो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये स्टाइल मैं भी कमा रहा हूँ, तुम भी कमा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा का मार्जिन नहीं है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन करके, चूँकि यहाँ पर बल्क में अमाउंट जा रहा है, पूरे बिहार ही नहीं, बिहार के अलग अलग स्टेट में भी जा रहा है। एक एड्रेस बता दीजिए। मेरा कंपनी का नाम है यूरी इंटरप्राइजेज, ब्रांड नेम हो गया यूरी फैशन, ठीक है। हम लोगों का पटना में है, जो कि आपका खेमी चक एरिया होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई लोग अगर ट्रेन से आते हैं तो वो पटना जंक्शन पे आएंगे, वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे बस स्टैंड के लिए, उसको बोलेंगे ऑटो वाले को कि खेमनी चक उतरना है, तो वो उतार देगा, ठीक है। वहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे हम लोगों का फैक्ट्री है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और बाकी तो नंबर दिया हुआ है, बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, डिस्प्ले पे नंबर होगा, उस पे कॉल करेंगे। जॉब के बारे में आप बहुत बोल रहे थे, जॉब का क्या? जैसे देखिए जॉब का भी सिस्टम है, जैसे जो लोगों के पास आज के टाइम पे 10,000 रुपये भी नहीं है, ठीक है, वो लोग अगर चाहते हैं कि हम अपना खुद का काम स्टार्ट करके पैसा कमाएं, तो हम लोगों के यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि वो इस टाइप का सेटअप हम लोग उनको रोड पे लगा के पटना के अंदर हर जगह पे देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे हम अगर कोई मेरे से खरीद के लेके जा रहा है तो उसमें हम आप उनको 35% देते हैं, जैसे 65 रुपये का सामान हुआ, 100 रुपये बिका तो 35% हो गया, लेकिन उसमें क्या होगा कि हम उनको 20% देंगे। जिनके पास पूंजी नहीं, हाँ जिनके पास पूंजी नहीं है हम उनको 20% देंगे। उसके अलावा यहाँ पे जॉब के लिए जो जॉब हम लोग देंगे उसमें उनको रहने और खाने का सुविधा देंगे, ठीक है, रहने खाने का सुविधा होगा, प्लस हम अपने गाड़ी से जाके जगह जगह पे लगवाएंगे, जहाँ भी हम लोगों का दुकान लगता है। आपका 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास से निकलता है, क्योंकि शहर का मार्केट है, सामने ही मार्केट होता है, तो 2-2:30 बजे से निकलता है और लगभग 9-9:30 बजे रात तक आता है। तो ऐसा नहीं है, अगर उस टाइप से भी वो काम करेंगे तो दिन का 500-700 रुपये वो डेली कमाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रह के मान लीजिए कि महीना में कैसे भी करके वो 15,000 से ऊपर का अर्न करेंगे बिहार में रह के, ठीक है। रहने खाने का सारा उनको सुविधा दिया जाएगा, और यहाँ पे जॉब के लिए बहुत जगह पे बोला जाता है ना, यहाँ पे जॉब के लिए 1 भी रुपया लिया नहीं जाता है, ठीक है, 1 रुपया भी लिया नहीं जाता है। और जब आपके पास जॉब कमा लेते हैं, आपके पास पूंजी हो जाता है, फिर अपना आप कैनोपी ले लीजिए, और कैनोपी लेके आप अपना नया सेटअप कीजिए। बहुत ही अच्छा लगा चंदन जी आपसे मिलकर, यूरी इंटरप्राइजेज पटना खेमनी चक से, मुकेश कुमार चाचा फलू, थैंक यू।